गन्ना बोआ रहे हैं, 4x4 ट्रैक्टर है। हेलो किसान भाइयों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास 3630 न्यू हॉलैंड प्लस। ये देखो जी 4x4 ट्रैक्टर है, बहुत ही दमदार ट्रैक्टर है। ये देखो ट्रैक्टर की कंडीशन देखो, आज ईग बोता हुआ दिखाऊंगे, आज जो मशीन लगा रखी इस पर पीछे ईग बोने की। ये देखो 4x4 ट्रैक्टर है, जो मशीन है पीछे। ये देखो चलो मैं जानकारी कराता हूँ भाई साहब से आपको कुछ। कैसे हो जी भाई साहब, अपना शुभ नाम बताओगे जी? गौरवजीत सिंह। कौन सा गांव जी? सुखरताल। अच्छा ये जो तुम्हारा ट्रैक्टर है जी, कौन सा मॉडल है जी? 19 मॉडल है जी। तो इसकी कुछ जानकारी दे दो, इसकी मतलब कितने हॉर्स पावर में है, कितने कितने में जी? 55 हॉर्स पावर में। और जी गियर? गियर है इसमें चार गियर है जी, हाई लो मीडियम अलग है। हाई लो मीडियम होकर अलग है, वो तो ठीक है जी। और जिसका जो इसका है मतलब 4x4 अगले वाले टायर जब इसके वाला कहाँ पे जी? ये छोटा सा, हाँ ये इसका अगले वाले का गियर है जी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा ये इसे तेल वेल कितना खाता है जी? जैसा लोड ऐसे तेल खाता है जी। अच्छा आज क्या कर रहे हो जी आप इससे? गन्ना बो रहे हो जी। यो मशीन क्या बोलते हैं जी से पीछे? टंच विधि से बो रहे हैं जी। बहुत ही बढ़िया है जी, देखो ट्रैक्टर। यो कितने प्राइस में लिया था जी? 9 लाख का लिया जी। 9 लाख का नया ही, बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है जी। अच्छा इसमें टायर कौन से वैल्यू के हैं जी? 16 9 28 के पिछले वाले हैं जी। और जी 9 5 24 के अगले वाले हैं। बहुत ही दमदार टायर दे रहे हैं कंपनी ने, बहुत ही भरा भरकम ट्रैक्टर है। देखो एक आगे से पीछे तक भरा हुआ है बिल्कुल। ये देखो आज गन्ना लगा रहे हैं ये भाई साहब, गन्ना बोते हुए दिखाऊंगे आपको वीडियो। ये देख लो वो उधर तक का इनका फार्म है, जहाँ तक पेड़ चमक रहे हैं। देखो इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी कितनी है जी? 25 क्विंटल तक की। बहुत ही बढ़िया, देखो मडगैड भी इतने बढ़िया, म्यूजिक सिस्टम भी बहुत फाइबर की। तो देखिए जी स्टार्ट हो गया है 4x4 ट्रैक्टर। ये देखो आज गन्ना बो रहे हैं अपने खेत फार्म पर। ये देखो टंच विधि से गन्ना बो रहे हैं, देखो किस तरीके से मशीन गन्ना बो रही है। ये देख लो से ये ऊपर गन्ना डाल रखा है और यहाँ से बढ़िया काम कर रहा है ट्रैक्टर। गन्ना बोआ रहे हैं, 4x4 ट्रैक्टर है। ये देखो बड़ा डेंजर ट्रैक्टर है, बहुत ही बड़ा ठड़ा ट्रैक्टर है, जैसे बोल रहा ठड़ा ठड़ा ट्रैक्टर है हाथी जैसा। पीछे मशीन चल रही गन्ना बोलेगी, टन की चीज़ें गन्ना बोते हैं ये किसान है बड़े बहुत। टंच विधि से गन्ने बोने के फायदे बहुत है किसान भाई, एक बार बो के जरूर देखे। टंच विधि से बहुत फायदे हैं इसके, गन्ना निकलता भी बहुत है और बीज कम लगता है बहुत। देखो ये पीछे ऊपर लड़के बैठा रखे हैं दो, ये गन्ना डाल लो जाए मशीन में से, वो कटिंग करके नीचे डालते रहे बराबर धर दिया। पूलिया लगा रहे, अभी देखो पूलिया लगाओगे और ट्रैक्टर में इधर से ला रहे हैं दूसरे ट्रैक्टर पर भर की पुली। ये देख लो ये पुली धरने का स्टैंड बना रखा है, बहुत बढ़िया तारा वालों की है मशीन ये बोने की। ईख टंच विधि से इसमें
वेट लगे हुए हैं 55 किलो का एक साइड रिम में, आगे भी वेट लगा रखे हैं 30-30 किलो की हैं, चार पट्टी, बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। खाद का भी है इसमें ही, खाद का सिस्टम ही, भी इस पर बैठे थे खोला नहीं, ये देखो इसमें डाई यूरिया खाद पानी जो भी कुछ गिरना अपना दवाई तो सब कुछ गिर लो। एक कुंटल 20 किलो वजन लग रहा है, एक कुंटल 20 किलो वजन है आगे टोटल। हाँ 30-30 किलो की है ये, देखो कितना भरा हुआ ट्रैक्टर है अंदर से आगे से पीछे तक बिल्कुल बराबर है। फाइबर का टैंक दिया है, डीजल टैंक इसमें कितने लीटर का है ये डीजल टैंक? 60 लीटर का डीजल टैंक। ये इसमें नीचे रोड दी है उसकी, आगे सॉफ्ट बोल रहे हैं जिसे, यो 4x4 की इसमें, ये देखो रोड कितनी मजबूत दे रखी है पीछे तक के तक। पावर स्टेयरिंग है, आगे सब कितना शानदार ट्रैक्टर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर लुक है बिल्कुल। ये देखो पुली धर दी, अब जा फिर बोवेंगे, अब जा स्टार्टिंग करेंगे बोना। चल दिए, चालू कर दिया, बस थोड़ी देर में चालू करने वाले, 5-4 पुली होगी। पर अब चालू करेंगे बस, बहुत ही बढ़िया मशीन दिया है वो भी बोने के लिए, यही कहाँ टंकी दी सर। ये मशीन कितने की पड़ी जी? ये पड़ी जी 2 लाख, 2 लाख रुपए की। चलो बहुत ही मुनासिब पैसों में मशीन पड़ी है, काम भी बहुत बढ़िया है इसका। 2x2 तो झेलने का भी नहीं इस मशीन को चलाने का, ना 2x2 नहीं चला रहा है, स्लिप मारो जाएगा इधर खड़ा हुआ। हाँ बहुत ही बड़ा लेजर है, दवाई पवाई कौन सी लगाई जी इसमें? यूरिया डाई जी, पंत। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। कोर वोर पे कौन सी लगाओगे जी? अभी तो जरूरत नहीं है, अभी इसमें सरसों भी बो दी ना साथ ही साथ। अच्छा सरसों भी बो रखी है साथ में, बहुत ही बढ़िया। सरसों तो वैसे ही बोई होगी जी पपेड़ की, छट्टा दे दिया था फिर टंकी में भी गिर दी थी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया जी, बस भरने वाली पुली फिर स्टार्ट करेंगे। ये तो मुजफ्फरनगर से ली होगी जी मशीन? तारा वालों की है। ये देखो जी होगा स्टार्ट, कर दिया चालू बोना, ये बराबर में लग रही है इसके, जिससे पता रहा कहाँ चलाना है कहाँ नहीं ट्रैक्टर, मतलब उसे कह रहे हैं। तो ये देखो किस तरीके से गन्ना लगा रही है इसमें, बहुत ही बढ़िया तरीके से टंच भी दिशा बो रहे हैं, 4x4 ही काम करे इसमें, वैसा ट्रैक्टर तो स्लिप मारो जाएगा। यहाँ से घुमाओगे अब जा, ये कुंडा आ गया इनके खेत में, ये खाली आएंगे सर इसका गट्ठा था। ये उठ गया आगे से ट्रैक्टर, बहुत ही जबरदस्त काम है भाई, बहुत बढ़िया तरीका आया बोने का। ही आदमी टंची भी दिशा ही बो के देखे किसान,
बीज भी कम लगा है और पैदा ज्यादा निकला है। ये देखो इसमें सरसों भी बो रखी है और जी ईख भी, सरसों कट जाएगी ईख रह जाएगा बाद में। यो धर दिया आ गई, यहां तक घुमा लिया। ये देखता जी क्या बिल्कुल ट्रैक्टर का मोबाइल कर दिया। लैंड का 36 बहुत ही दमदार ट्रैक्टर है। ये लगा दिया गियर। ये देखो चल गया, चालू कर दिया। जो गैलो गैल मट्टी देता रहा पीछे से लग रही है, दो ये लग रहे गुल्ले से, ये गैलो गैल मट्टी देते रहे देखो। हल्की हल्की सी मट्टी आती रहे नॉर्मल। ना मैडी फेरने की जरूरत ना कहीं की। बस खेत बुनाई वाला है, थोड़ा सा ही काम रह रहा, दोरे दारे रह रहे थोड़े से। चलो बे बूढ़ा खेत ये देखो कितना बड़ा फार्म होया है पर तक। बारह प्लस 3 यूसी ट्रैक्टर। किसान भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद किसान भाइयों।